जब जंगल में मिली व्हेल मछली, ब्राजील के वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट ने अमेजन के रेन फॉरेस्ट में उन्होंने कुछ शिकार वाले पक्षियों को आसमान में उड़ते हुए देखा। जब उन्होंने उसका पीछा किया तो उन्होंने जंगल में बीच में एक व्हेल मछली को देखा। एक्सपर्ट हैरान हो गए कि यह व्हेल मछली यहाँ पर कैसे आई। यह व्हेल मछली अमेजन रिवर के माउथ पर एक आइलैंड पर देखी गई। एक्सपर्ट का मानना है कि किसी स्टॉर्म के दौरान यह व्हेल यहाँ पर तैर रही थी और स्टॉर्म ने इसे जंगल में यहाँ पर फेंक दिया, परंतु इस समय एक भी यहाँ पर व्हेल यहाँ पर नहीं होती है। फैक्ट नंबर 14। आज के समय में रडार अन्य तकनीक की सहायता से हम एनिमी के प्लेन्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन पहले जब ऐसी टेक्निक नहीं होती थी तो कैसे सैनिक प्लेन को डिटेक्ट करते थे। यह पिकअप वर्ल्ड वॉर 2 की और इसका नाम है एकॉस्टिक लोकेटर, और इनकी सहायता से पहले एनिमी के प्लेन्स को डिटेक्ट किया जाता था कि वे कितनी दूर है उनकी साउंड के आधार पर। फैक्ट नंबर 13। सोन डोंग यह दुनिया की सबसे लार्जेस्ट केव इन द वर्ल्ड, जो कि वियतनाम में मौजूद है, जो कि 400 से 450 मिलियन साल पुरानी है, और इस केव में खुद का एक फॉरेस्ट है और इस केव में बादल भी प्रेजेंट है, जो कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। यह केव 9 किलोमीटर तक लंबी है और इस केव का क्रॉस सेक्शन पूरी दुनिया की केव्स में सबसे ज्यादा है, और इस केव्स के अंदर भी 150 केव्स है और बहुत सी अंडरग्राउंड रिवर भी इस केव्स में बहती है। फैक्ट नंबर 12। आज तक आपने मून को केवल ग्रे कलर का ही देखा होगा और इसके कलर पर आपका ज्यादा ध्यान भी नहीं गया होगा। एक एस्ट्रो फोटोग्राफर ने 10 ईयर तक मून को ऑब्जर्व करके इसकी वेरियस शेड को कैप्चर किया। इस पिक्चर में आप मून के वेरियस कलर को देख सकते हैं। आज तक आपने केवल थोड़ा व्हाइट कलर ही देखा होगा। इसमें आप मून के वेरियस कलर देख सकते हैं, ग्रे से लेकर ब्लू तक। इसके अलावा रेड और पर्पल भी हैं, पर इतने सारे कलर कैसे? इसका कारण कि अर्थ के एटमॉस्फेयर के कारण। अर्थ का एटमॉस्फेयर हमेशा बदलता रहता है, इसीलिए मून के वेरियस कलर दिखते रहते हैं। इसे नासा द्वारा पोस्ट किया गया है, यह बिल्कुल वेरीफाइड है। फैक्ट नंबर 11। इस डॉग को देखकर आपको ऐसा लग रहा है कि ये घायल है या इस पर किसी ने अटैक किया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आपको देखने में खून जैसा लग रहा हो, परंतु ये नेचुरली इस डॉग के चेस्ट पर होता है। इसका नाम है लूजेन ब्लीडिंग हार्ट। देखिए नेचर में किस किस तरह की अमेजिंग चीजें होती हैं, जिसका आपको अभी तक पता नहीं है। फैक्ट नंबर 10। क्या होगा अगर प्लांट्स को म्यूजिक सुनाया जाए तो क्या वे भी हमारी तरह म्यूजिक को एंजॉय कर सकते? जैसे जैसे साइंटिस्ट ने रिसर्च की है, उसे अभी तक यही पता चला कि म्यूजिक का प्रयोग करने से खेतों में या ग्रीन हाउस के प्लांट्स की ग्रोथ और बढ़ जाती। यहीं पर एक कॉन्ट्रावर्सी शुरू होती है कि पेड़ों के दुकान होते नहीं तो उनका इन पर कैसे प्रभाव पड़ सकता है, बल्कि हो सकता है कि म्यूजिक से निकलने वाली साउंड वेव की वजह से ये प्लांट में सेल को और ज्यादा अधिक करने के लिए प्रेरित करते हैं, और ये सेल्स प्लांट में न्यूट्रिएंट की मात्रा को बढ़ा देते हैं। आप मानो या ना मानो, स्टडीज में यह निश्चय होता है कि म्यूजिक से प्लांट्स की ग्रोथ बढ़ जाती है। कुछ म्यूजिक ग्रोथ कर सकते हैं, वही कुछ डैमेज भी पहुंचा सकते हैं, और मोस्ट प्लांट्स के लिए क्लासिकल म्यूजिक और जैज म्यूजिक अच्छा होता है। आप इस बात से कितना सहमत हैं? क्या ये रिसर्च अभी तक अधूरी है? कमेंट सेक्शन में बताएं। फैक्ट नंबर 9। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि अर्थक्वेक भूकंप क्या होता है और यह कैसे आता है। अर्थक्वेक यानी पृथ्वी की सतह का हिलने को भूकंप कहते हैं। पर यह सतह हिलती क्यों है? जो हमारी पृथ्वी है वह पूरी तरह सॉलिड नहीं है, बल्कि यह विभिन्न परतों से बनी हुई है जो तरल स्टेट में है। उसी के ऊपर हमारा स्थलमंडल लिथोस्फीयर तैर रहा है। ये है हमारी अर्थ। हमारी अर्थ बहुत सारी लेयर्स में बटी है। चलो चलते हैं पृथ्वी के अंदर। जो सबसे अंदर है ये है इनर कोर, इसके बाद है आउटर कोर, और इसके बाद है मेंटल, और सबसे ऊपर है क्रस्ट, और इस क्रस्ट के ऊपर भाग को लिथोस्फीयर कहते हैं। लिथोस्फीयर एस्थेनोस्फीयर पर तैर रही है, और ये लिथोस्फीयर भी पूरी तरह एक रोग नहीं है, बल्कि यह भी बहुत भागों में टूटी है, जिन्हें प्लेट्स कहते हैं। यहाँ से स्टार्ट होती है भूकंप की यात्रा। ये प्लेट्स हमेशा मूव करती रहती है, इसी कारण इनमें फॉल्ट पड़ जाते हैं। बहुत सारी अर्थक्वेक इन्हीं फॉल्ट के कारण आती है, लेकिन अन्य कारण भी है जिनसे भूकंप आ सकता है, जैसे ज्वालामुखी, न्यूक्लियर टेस्ट आदि। यदि इन दो प्लेट में रेगुलरिटी है तो ये आराम से मूव कर सकती है, परंतु भूकंप में ऐसा नहीं होता। ये इरेगुलर होती है, यानी पूरी तरह प्लेन नहीं होती, और इन इरेगुलरिटी के कारण जब प्लेट मूव करती है तो ये फॉल्ट लॉक हो जाते हैं। परंतु ये दोनों प्लेट तो मूव कर रही है, तो इन दो प्लेटों में स्ट्रेस बन जाता है, यानी स्ट्रेन एनर्जी बढ़ जाती है, और इनकी एक लिमिट होती है, उससे आगे स्ट्रेस बढ़ा तो ये टूट जाती है, और इससे बहुत ऊर्जा निकलती है, और यह ऊर्जा वेव की फॉर्म में निकलती है, और जहाँ से भूकंप स्टार्ट हुआ है उसे सेंटर या हाइपोसेंटर कहते हैं। इसके सीधे ऊपर सरफेस का नजदीक पॉइंट को एपिसेंटर कहते हैं, और ये जो वेव निकलती है इन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं, बॉडी वेव, दूसरा सरफेस वेव।
बॉडी नेम से आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर चलती है। और बॉडी वेव्स दो प्रकार की होती है, पी वेव्स और एस वेव्स। पी वेव्स यानी प्राइमरी वेव्स, प्राइमरी यानी प्रथम। इन वेव्स को इंस्ट्रूमेंट द्वारा सबसे पहले मापा जाता है और ये सबसे तेज मूव करती है, इसीलिए इन्हें प्राइमरी वेव्स कहती है। पर ये हानि सबसे कम पहुंचाती है। ये वेव्स सॉलिड, लिक्विड और गैस समेत ट्रैवल कर सकती है और ये वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की तरह ट्रैवल करती है। नेक्स्ट है सेकेंडरी वेव्स। सेकेंडरी वेव्स की स्पीड प्राइमरी से कम होती है, इसलिए उनके बाद में आती है दूसरे नंबर पर, इसीलिए इन्हें सेकेंडरी वेव्स कहते हैं। ये केवल सॉलिड चीजों में से ट्रैवल कर सकती है, इसीलिए अर्थ के अंदर ट्रैवल नहीं कर सकती, क्योंकि अर्थ की लेयर लिक्विड स्टेट में होती है। ये ट्रांसवर्स वेव की तरह चलती है। ये वेव्स पी वेव्स से ज्यादा क्षति पहुंचाती है। नेक्स्ट है सरफेस वेव्स। ये सबसे कम स्पीड में ट्रैवल करती है, इसीलिए ये सबसे ज्यादा विनाश करती है। ये वेव्स सतह पर ट्रैवल करती है, इसलिए इन्हें सरफेस वेव्स कहते हैं। ये पी और एस वेव्स की इंटरफेरेंस से बनती है। ये है यूरेशियन प्लेट और ये है भारतीय प्लेट। जो यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, इन्हीं प्लेट से भारत में भूकंप आते हैं। अब मैग्नीट्यूड के आधार पर भूकंप के इफेक्ट को जानते हैं। यदि मैग्नीट्यूड 0 से 1.9 है तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये भूकंप कब आया। यदि मैग्नीट्यूड 2 से 2.9 है तो थोड़े बहुत झटके लगेंगे। 3 से 3.9 मैग्नीट्यूड भूकंप थोड़ा बहुत महसूस होगा। 4 से 4.9 में आसपास की चीजें हिलने लगेगी, सामान भी गिरेगा। 5 से 5.9 में सब कुछ हिलने लगेगा। 6 से 6.9 कच्चे घर गिर जाएंगे। 7 से 7.9 ऑलमोस्ट बहुत सी इमारतें गिर जाएंगी। 8 से 8.9 में सुनामी आ जाएगी और 9 में सब कुछ तबाह हो जाएगा। 6 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक में 32 टाइम्स ज्यादा एनर्जी निकलती है 5 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक से, और 7 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक में 1000 गुना एनर्जी निकलती है 5 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक से। और जो एटॉमिक बम वर्ल्ड वॉर सेकंड में यूज किए गए थे, ऐसे 10,000 बम से 8.6 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक जितनी एनर्जी निकलेगी। फैक्ट नंबर 8। आज जो मैच में पाई पढ़ते हैं, जिसकी वैल्यू 3.14 है और इसका प्रयोग सर्कल का एरिया निकालने के लिए किया जाता है। बहुत सारे रिकॉर्ड्स के अनुसार पाई का यूज इजिप्ट और ग्रीस के लोगों द्वारा किया गया था, वो भी करीब 1650 BC में। यानी आज से 3700 साल पहले ये लोगों को पाई की वैल्यू ज्ञात थी और ये सर्कल के एरिया को फाइंड करने का फॉर्मूला भी जानते थे। इससे यह पता चलता है कि पहले के लोगों के पास भी मैथमेटिक्स की बहुत नॉलेज थी और वे कितने उन्नत थे। फैक्ट नंबर 7। दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी आंखों वाला जानवर ये है जायंट स्क्विड। वह प्राणी जिसकी आंखें अर्थ पे सबसे बड़ी है, जो कि 11 इंच के करीब है, हमारे फेस से 2 गुना से भी ज्यादा, 43 फीट के लगभग फीमेल का साइज होता है। फैक्ट नंबर 6। क्या आपको पता है कि आई अल्फाबेट होता है, इसमें इस डॉट को क्या कहते हैं? इसे टाइटल कहते हैं। फैक्ट नंबर 5। क्या आपको पता है कि हमारी गैलेक्सी कितनी बड़ी है? इस एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगा। यदि सन का साइज हमारी व्हाइट ब्लड सेल के बराबर हो जाए तो हमारी गैलेक्सी यूनाइटेड स्टेट के बराबर होगी। इससे आपको सन और गैलेक्सी के बारे में पता चल जाएगा कि इनका साइज कितना है। फैक्ट नंबर 4। आखिर क्यों खत्म हो गई ये बर्ड? ये जो बर्ड है ये इंडियन ओशन के मॉरिशस आइलैंड में पाए जाते थे। इस बर्ड का साइज लार्ज होता था और यह उड़ नहीं सकते थे। 16वीं सेंचुरी में जब नाविक आए तो इन्होंने पाया कि आसानी से उनका शिकार कर सकते हैं और ये आसानी से इतने डरते भी नहीं थे। जब मॉरिशस में लोगों ने रहना स्टार्ट कर दिया तो और खत्म हो गए। लोगों ने पिग्स, कैट और डॉग्स और मंकीज को यहाँ पर पालना स्टार्ट कर दिया और ये जानवर डोडो और इनके अंडों को खाने लगे, तो होना क्या था, ये बर्ड एक्सटिंक्ट हो गए। फैक्ट नंबर 3। क्या आपको पता है कि किस कंट्री में सबसे ज्यादा पिरामिड्स हैं? आप में से अधिकतर का उत्तर होगा इजिप्ट, लेकिन ये देश है सूडान, जिसमें 258 पिरामिड्स हैं, जो कि इजिप्ट में प्रेजेंट पिरामिड से 2 गुना है। आज तक आपने केवल लाल लावा ही देखा होगा, लेकिन क्या आपको ब्लू लावा के बारे में पता है? इंडोनेशिया में एक वोल्केनो है जिसमें कुछ इसी तरह का लावा दिखता है। इसका नाम है कवान आइजन वोल्केनो। इसका ब्लू कलर सल्फर की प्रेजेंस के कारण होता है। जब यह सल्फर जलता है तो नियोन ब्लू फ्लेम देता है, परंतु सचमुच के लावा को ब्लू करने के लिए 6000 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होगी, जो कि पृथ्वी पर प्रेजेंट किसी भी लावा से ज्यादा है। फैक्ट नंबर 2। आपने आज तक अर्थ और सन को कुछ इस तरह मूव करते हुए देखा होगा, परंतु एक्चुअली यह इससे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। सूर्य अपनी जगह पर स्थिर नहीं है, बल्कि यह भी मूव करता रहता है। इसके साथ साथ अर्थ और अन्य प्लैनेट भी इसके साथ कुछ इस प्रकार मूव करते रहते हैं। फैक्ट नंबर 1। जब अंधे व्यक्ति पर गिरी बिजली। एक बार 1971 में एडवर्ड नामक एक ट्रक ड्राइवर का एक्सीडेंट हो गया, जिसके कारण वह अंधा और बहरा हो गया। 9 साल बाद
मैं जब गार्डन में बैठा था एक पेड़ के नीचे, तभी उस पर लाइटनिंग स्ट्राइक हुई और अगले दिन जब वह उठा तो सुन और देख सकता था।